बाहर से अंदर की तरफ। कंटिन्यू कंटिन्यू, रुकना नहीं। ओके, पहले लेफ्ट फुट था, अभी राइट फुट। एक्सरसाइज चेंज, बाहर से अंदर की तरफ रोटेट करो, कम से कम तीन तीन चार चार चक्कर लगाओ। इस एक्सरसाइज के फायदे बहुत हैं बच्चों, हमारे को चलते समय दौड़ते समय मोच आ जाती है ना, ये एक्सरसाइज करने से मोच, मोच बोलते हैं ना, मोच समझते हो? यस सर। वो नहीं आती। ओके, रिलैक्स। अप डाउन, अप डाउन, अप। ओके, जिनको मिल गया वो पीछे, तुम इधर आ जाओ। कौन रन पर? बड़ी नंबर आप अपनी राह से करो। हेल्पर एडवांस, स्पॉटिंग में पीछे पीछे खड़े हो जाओ। एक एक के एडवांस इसको थोड़ा पीछे अपने हिसाब से पूरा सेट होना। बुलेट कॉक किया, बुलेट डाली, फिर वो बोलेंगे फायर, ठीक है, विश्व करेंगे फायर का ऑर्डर आएगा। अपने टाइम से जितनी सांस लेनी है लो ना, जितनी छोड़नी, लेकिन सांस मतलब अंदर ही रखनी है अपने, जब तक फायर नहीं होगा। मैंने सांस ली, मैं देखूंगा मेरा टारगेट कहाँ पे है, जहाँ तो मैं नीचे से लाऊंगा ऊपर, या ऊपर से लाऊंगा नीचे, ठीक है। जो काली चिंदी है उसके ऊपर दो दो सेकंड का पॉज होता ही होता है, दो सेकंड का पॉज होगा। लेफ्ट को पकड़ना, कोई भारी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके आपने ऐसे ऐसे लगानी है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, चीकू को इसके साथ मैच करना है, इसके बीचों भी ये कटे हुए फोर्सर की नोक मार से टारगेट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही टारगेट आपको मिलेगा, आपने चंद सेकंडों के लिए सांस को बंद करना है, ताकि ये तुम्हारी हरकत ना हो, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे करोगे तो गोली ऊपर नीचे जाएगी। आपने जैसे आपको मिला इधर मेरा ठक फैर कर देना, ठीक है, सांस नहीं छोड़नी, तब तक सांस बंद है तो रेफल उधर ही रहेगी। जैसे ये कैंप हमारे लिए होता है जिसमें हम कैडेट्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एनसीसी, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे शूटिंग इवेंट होता है, थर्ड सेमर कैंप होता है दिल्ली में, रिपब्लिक डे कैंप होता है दिल्ली में, इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल कैंप होते हैं, कोई मोटिंग का हो रहा है, कोई ईडीएस भी हो रहा है, एएनसी हो रहा है, एसएसपी हो रहा है,
तो ये सब हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास मौका है जिसमें हम आप में से कैडेट्स चुन सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं, उनको हम ग्रूम कर सकते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ आए, टाइम पास किया, खाना पीना खाया और चले गए, कोई टाइम का नहीं अचीव नहीं होगा। तो हर एक को अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर कुछ सिर्फ पीआई और एनओज और हम लोग लगे हैं और आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं है या दिल से करने की भावना नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तो कैंप में मजा आना चाहिए, मजा तभी आएगा जब आपको पूरा अपना वोट मारकर सपोर्ट दिया। तो इस कैंप में हम लोग काफी सारी एक्टिविटीज करेंगे, आप देखेंगे काफी सारे लेक्चर होंगे और इन एक्टिविटीज में जैसे हो रही है सुबह हमने किया रोटी का फैमिली का, इसमें हम बच्चे सेलेक्ट करेंगे, ये बच्चे बटालियन लेवल पर सेलेक्ट होंगे, फिर ग्रुप लेवल पे, फिर कलेक्टिव लेवल पे और फिर आगे जाके वो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो दिल्ली जाएगा। ठीक है सभी को? यस सर। तो इसमें कृपा करके अपना खूब ध्यान लगाइए और जोर शोर से कीजिए। ओके।